नमस्कार टॉप न्यूज़ में मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले बता दे दोस्तों आपको कि अंकिता लोखंडे ने एक खुलासा किया है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर के एस को लेकर के एक बात कही है जो मैं आपको बात करूंगा इस वीडियो में और वो शादी करने वाली हैं लेकिन किससे करने वाली हैं ये भी बताएंगे और उसके बाद आपको ये बता दें कि राधे फिल्म आई है उसकी स्टोरी लीक होने की बात आ रही है सलमान के फैंस ने सलमान से अपील करी है कि भाईजान कुछ तो करो आपकी फिल्म के बजट पे बहुत बड़ा झटका पड़ने वाला है कुछ लोग पायरेसी कर रहे हैं बताएंगे आपको कि पूरी तरह से कैसे ट्रेंड हुई ये बातें एक बहुत बड़ा एक्टर जो कि बलात्कार के मामले में फंस चुका था कहा जाता है कि वो अक्षय कुमार के बीच साथ काम कर रहा है बताएंगे वो कौन सा एक्टर था और आज वो काम के लिए तरस रहा है लोगों से भीख मांग रहा है सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और आज शादी करना इस कोरोना काल में इतना जरूरी हो गया कि आज लोग पीपीई किट पहन करके भी शादी करने के लिए मजबूर हो गए हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में और उस वीडियो को दिखाएंगे जो कि काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है उस वीडियो को तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों अंकिता लोखंडे ने ये बात कही कि मेरा सबसे अच्छा को स्टार अगर कोई है तो वो सुशांत है आज भी वो सुशांत का नाम लेती हैं और उनके ऊपर फेम कमाने की कोशिश करती हैं उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि हमारी ब्रेकअप कैसे हुई हम दोनों कैसे दूर हुए उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता छः साल से चल रहा था और मैंने जब बोला कि एस को कि मुझसे शादी कर लो मैं ज़्यादा दिन तक लिविन में नहीं रह सकती आखिर आपको लिविंग में रहने से पहले ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी लिविंग में रहने के बाद आप क्यों कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ उस वक्त सुशांत काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे थे उस वक्त बड़ी बड़ी फिल्में दे रहे थे बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर रहे थे अंकिता लोखंडे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ मैं ज्यादा दिन तक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती तो उस वक्त फिर सुशांत कहते हैं कि मुझे अभी लाइफ में आगे बढ़ना है ऐसी खबरें आ रही थी हालांकि ट्विटर पे सुशांत ने इस बात का खंडन भी किया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है बस एक दूसरे को समझना जरूरी होता है बस उन्होंने यही बात कही थी लेकिन अंकिता लोखंडे ये कहती हैं आरोप भी लगा सकते हैं ऐसा फॉलोअर्स सुन के कह रहे हैं कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं सार के जाने के बाद कि आप उनसे शादी करना चाहते थे और सुसान शादी करने वाली हूँ जी हाँ उसके बाद जब विकी जैन एक बिजनेसमैन है उनसे शादी के बंधन में बनने वाली है अंकिता लोखंडे कह रही है ऐसा न्यूज में आ रहा है ऐसा सोशल मीडिया पे भी बातें आ रही हैं कि अंकिता लोखंडे विकी जैन के साथ बंध सकते हैं शादी में और कुछ दिन पहले उनकी फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी पार्टी की घूमने की और बर्थडे की तो ये सारी चीजें क्या ये दिखाती है कि कही न कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे बहुत जल्द शादी की बंधनों में बन सकती हैं खबरें तो ये भी आ रही हैं कि विकी जैन के साथ ये तीन साल से रिलेशनशिप में है और उसके बाद रिलिविंग रिलेशन में भी रह रही हैं छह साल आप एसएसआर के साथ रहती हैं तीन साल विकी जैन के साथ रहती हैं अब बचा खुचा जिंदगी है वो भी किसी और के साथ मना लीजिए आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी शादी करने की क्या जरूरत है भाईजान की राधे पूरी तरह से आ चुकी है जी पे आप देख सकते हैं इस फिल्म को लेकिन जिस तरह से भाईजान ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था और ये कहा था कि देश में हम लोग इतनी मेकर्स लोग हैं जो इतनी मेहनत करके फिल्में बनाते हैं और कुछ लोग जो हैं उसको पायरेसी करके इसको टेलीग्राम पे या फिर कोई फेक वेबसाइट पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिल्म नहीं देखते हैं ऑफिसियल पर जो जी फाइव हमने डाली है भैया अगर हम जो फिल्म अगर डाला हमने ऑफिशियल पर वेबसाइट पर अगर वहाँ से अगर फिल्म आप नहीं देखेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट क्या होगा तो ये चीज़ें सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर रखी थी उसके बाद जब फिल्म आई तो ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा कि इस फिल्म को बहिष्कार करो ये तो मुसीबत आ ही रही थी अब दूसरी मुसीबत यहां पे ये आ गई है कि अब कुछ फैंस लोगों ने सलमान खान से अपील करी है कि भाईजान अपनी फिल्म को बचाइए फिल्म तो पहले ही बन चुकी है थर्ड ग्रेड की थर्ड लेवल की रेटिंग देर से दो स्टार आए हैं दस में पूरी तरह से डाउनफॉल हो चुकी है फिल्म की रेटिंग अब उस स्थिति में उनके फैंस लोगों ने सलमान खान से अपील करी कि भाई जाने इस फिल्म को बचा लीजिए जो भी फिल्म में पैसे लगे हैं कम से कम वो तो निकल जाए कुछ लोग जो हैं इसको पायरेसी कर रहे हैं इसका वेबसाइट पर इसको डाल करके कुछ लोग डाउनलोड करके इसका लुप्त उठा रहे हैं कुछ लोग टेलीग्राम पे भी डाउनलोड कर रहे हैं तो ये सारी चीजें कुछ लोगों ने पोस्ट भी करी शेयर भी करी स्क्रीनशॉट भी देखे लेकिन इस पर क्या बड़ा एक्शन आता है सलमान खान की टीम की तरफ से मेकर्स की तरफ से ये तो समय बताएगा लेकिन जो 90% लोग जो हैं वो फिल्म को पायरेटेड करके ही देख रहे हैं कोई भी पैसे इस समय इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है तो इस पे आपकी क्या विचार है अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा अब इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं हूं बस यही बात कहना चाहता हूं कि कर्मा इस कर्मा कर्मा इस ही देता है बैक टू बैक दोस्तों 2007 हजार सात ईस्वी में एक बहुत बड़ी खबर आई थी और एक बहुत बड़ा न्यूज आया था कि एक बहुत बड़ा एक्टर अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार कर देता है और उस केस में वो अंदर चला जाता है कहा यह जाता है कि वो बड़ा एक्टर अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है उसने और उसके बाद बताएं कि जेल से निकलने के बाद उसने वेलकम बैक जैसी फिल्मों में भी काम किया लेकिन उसकी इतनी छोटी सी रोल थी कि लोगों ने उसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया दोस्तों बताएं कि आज वो इंसान दर बदर भटक रहा है पैसे के लिए लोगों से काम मांग रहा है लेकिन लोग काम नहीं दे रहे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ शाइनी आहूजा की जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हुए थे मुंबई पुलिस काले कपड़े में इसको पहना करके इसको जेल के अंदर ले गई थी जेल में जाने के बाद यह इंसान ना सो पा रहा था ना जाग पा रहा था ना खा पा रहा था ना पी पा रहा था उसके बाद इसको इतनी ज़्यादा आत्मग्लानी हो रही थी कि मैं एक बाल बच्चेदार इंसान इंसान करके एक नौकरानी के साथ गलत संबंध किया उसने कबूल करा पुलिस स्टेशन में कि वो नौकरानी की मंजूरी थी वो नौकरानी चाहती थी तभी मैंने उसके साथ ऐसा कांड किया कुकर्म किया लेकिन नौकरानी ने भी कही ये बात कि मेरे को जो उसके साथ जो काम लगवाया था उस एक्टर के साथ वही इंसान ने कहा था कि इस एक्टर को बदनाम करो उसके बाद उस नौकरानी के ऊपर भी केस हुए लेकिन 2011 में सात साल की सज़ा साइनी आहूजा को सुनाई गई और फिर उसके बाद उनको जमानत भी मिली और उसके बाद जब वो आते हैं बाहर तो काम के लिए दर बदर भटक रहे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में ऐसा काम क्यों करे इंसान जो अपनी इमेज और जब अपना चेहरा आईने के सामने देखे तो खुद को शरम आए कि कैसा काम किया मैंने ऐसा काम ही क्यों करना कि इंसान को अपने आप पर आत्मगलानी हो कि ये लगे कि मैंने जिंदगी में सबसे घटिया काम किया आखिर बताइए ऐसा ऐसा एक्टर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में इसने दी भूल भुलैया जैसी फिल्में अक्षय कुमार के साथ इसने काम करी देन उसके बाद गैंगस्टर लाइफ इन मेट्रो वो लम्हे जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करा इतना अच्छा रेपुटेशन बना हुआ था और ऐसे काम के लिए इसने कैसे इसके कदम उठ गए और इतना बड़ा कुकर्म और कांड कर दिया इस इंसान ने दोस्तों इस कोरोना काल में आज शादियां इतनी ज़्यादा जरूरत हो गई कि आज लोग पीपी किट -पी, कीट पहन करके शादी करेंगे आखिर क्या हुआ ऐसा बताएंगे आपको इस वीडियो में जो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है उस वीडियो को देखिए और अपनी विचार भी व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ये, नीचे, नीचे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार व्यक्त करें ज़रूर कि आखिर अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि पीपी -पी, कीट पहन करके शादी करना पड़ रहा है आखिर सेफ्टी जरूरी है लेकिन कुछ दिन अगर रुक जाते तो क्या हो जाता अपनी विचार जरूर व्यक्त करें इस वीडियो में और सारे न्यूज़ चैनल पर सबसे बेस्ट न्यूज़ आपको कौन सी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद